डीआईजी कपिल शर्मा पुलिस थानों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं ताकि थानों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया जा सके। इसी बीच सुंदरनगर थाना में औचक निरीक्षण कर डीआईजी ने यहां की कार्यप्रणाली को संतोषजनक पाया। इसी बीच पत्रकारों से बात करते हुए डीआईजी कपिल शर्मा ने कहा कि आए दिन हो रहे अपराध और दुर्घटनाओं में मंडी से सलापड़ तक काफी कमी आई है, जिसमें सुंदरनगर पुलिस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सुंदरनगर का अचानक निरीक्षण किया था और इसकी कार्यप्रणाली के बारे में देखा है। मुझे लगता है कुल मिलाकर जो है वो इस थाना का कार्य संतोषजनक पाया गया, क्योंकि सरप्राइज विजिट थी। इसमें एक्चुअली पुलिस एक्चुअल जो हमारे कंप्लेनेंट्स आते हैं, आम जनता आती है, उससे किस तरीके का व्यवहार करती है, इस सब का मैंने आकलन किया है, तो मुझे ये संतोषजनक लगा। इसके साथ साथ इस एरिया में क्योंकि हाईवे है, एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। मंडी जिला में और विशेषतः सुंदरनगर सब डिवीजन का अगर हम देखें, इसमें जो है वो एक्सीडेंट्स में कमी आई है। और इसका कारण ये रहा है कि मंडी पुलिस ने उसने पर्टिकुलर एरियाज को आइडेंटिफाई किया है, कॉज ऑफ एक्सीडेंट को आइडेंटिफाई किया है और उस पर जो है वो ज़्यादा फोकस किया है। इस कारण से दुर्घटना होने की कमी आई। इसके साथ साथ हमने यातायात को सुचारू करने के लिए, बच्चों को एजुकेट करने के लिए एनसीसी की जो कैडेट्स हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया और एक नया कार्यक्रम जो है मंडी जिले में चलाया गया, क्योंकि जिंदगी है आप, इसमें हम बच्चों को नशे की जो बुराइयां हैं, स्कूल में हमारे ऑफिसर जाते हैं, नशे की जो बुराइयां, नशे के कारण जो बुराइयां होती हैं, बैड इफेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में बच्चों को जागरूक, और उसके साथ साथ यातायात नियमों के बारे में एजुकेट किया जाता है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट।